नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं आपके भरोसे का प्रतीक दैनिक भरोसा टीवी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। रेवाड़ी में जिला पार्षद की मीटिंग में ग्रांट वितरण में हुए भेदभाव को लेकर हंगामा हो गया। चार पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें ग्रांट के नाम पर एक भी पैसा नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा ग्रांट प्रमुख और उप प्रमुख ने ले ली। जिला पार्षद सरिता यादव ने बताया कि हमारे साथ ग्रांट वितरण में भेदभाव किया गया, मेरे वार्ड में एक रुपये की भी ग्रांट नहीं दी गई, इसलिए यह जगजाहिर होता है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है। जिला पार्षद विनोद लिलोड ने कहा कि ग्रांट वितरण में प्रमुख द्वारा हम चारों पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, वार्ड की जनता के साथ भी अन्याय किया गया। जिला पार्षद मणिराम ने कहा कि ग्रांट वितरण में भेदभाव किया गया है, किसके कहने पर हम चार पार्षदों के साथ भेदभाव किया गया, समय आने पर जनता जवाब देगी। जिला पार्षद सुरेंद्र माड़तिया ने कहा कि इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं, हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबका साथ सबका विकास पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा रहा है। आप लोगों का काम हो जाए, हम सब कुछ है, लेकिन बात कहने में कोई बुराई नहीं है। तकलीफ होती है इस बात को सुनने के लिए, क्यों नहीं कह सकते? तकलीफ होती थी इस बात को सुनने के लिए। किसकी पार्टी बताया अगर 10 रुपए का भी किसी काम में ग्रांट दे रखी हो तो जवाबदार है।